बॉलीवुड की फिल्में नग्नता, अश्लीलता, हत्या, बलात्कार, माफियागिरी, अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर गाली गलौज। सवाल ये है कि समाज के स्तर पे हम और भारत की सरकार, जिसे हम अपना मत देकर के चुनते हैं, वो इसे कैसे रोकेंगे। दरअसल जुनेद खान की जो फिल्म महाराज है, उसमें वैष्णव संप्रदाय के अपमान का आरोप लग रहा है और इसे लेकर अब वाराणसी के संत समुदाय के साथ साथ जो पूरे देश भर के संत समाज के से जुड़े हुए जो लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो अब इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं केंद्रीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी। गुरु जी, पहले से भी लगातार बॉलीवुड की जो फिल्में थी उसमें सनातन के अपमान का आरोप लगता रहा है, तो क्या ये जो दौर है, जो ये फिल्म का ट्रेंड है, ये ऐसे ही जारी रहेगा? अब एक और फिल्म है जिसमें साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि वैष्णव समुदाय का अपमान किया गया है। यह फिल्म निश्चित तौर से भले ही OTT के प्लेटफार्म पर उपलब्ध है, परंतु ये सच्चाई है कि हिंदुओं को पूरी दुनिया में बदनाम करने के लिए इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो सहारा लिया जा रहा है वो निंदनीय है। मैं पूछना चाहूँगा कि अभी मक्का में जो गर्मी के कारण हजारों लाशें गिरी, क्या उस पर भी, हलाला पर, तीन तलाक पर, ये फिल्में बनाने को तैयार हैं? इस्लाम की कुरीतियों पे कोई फिल्म बनाने को तैयार है? तो स्वाभाविक है नहीं बनाएंगे। परंतु हिंदू धर्म धर्माचार्यों को चोट पहुँचाने के लिए समाज सुधार की आड़ में यह इस्लामिक एजेंडा है, जिसे क्रिश्चियन मिशनरियां धन उपलब्ध कराती हैं जोशुआ प्रोजेक्ट के अंतर्गत। मैं इन फिल्मकारों से नहीं, क्योंकि ये तो मुंबई का, मैं कहूँ कि बहुसंख्यक फिल्मकारों का धड़ा राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, जो तन बदन सब कुछ बेचने को तैयार बैठा है। उससे कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय से पीछे के दिनों भी इन विषयों पर वार्ता हुई थी कि आप इसे कैसे रोकेंगे, OTT के प्लेटफॉर्म को कैसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। अब मिर्जापुर टाइप की फिल्में हों या गंगा फुआसेपुर टाइप की फिल्में हों, जहाँ खुली गालियाँ बकी जा रही हैं, तो हमारी युवा पीढ़ी क्या सीखेगी? कहीं तो सेंसर हो, कहीं तो मर्यादा हो, धर्म की दृष्टि से हो, समाज की दृष्टि से हो, अपराध की दृष्टि से हो, कहीं तो कोई सेंसर हो। सवाल इस बात का भी है कि क्या जो सनातन धर्म का अपमान अब बॉलीवुड की फिल्मों में एक फैशन सरीखा हो गया क्या? क्योंकि इसके पहले हमने देखा कि तमाम जो फिल्में थी उसमें हिंदू धर्म से जुड़े हुए देवी देवताओं का अपमान किया गया। 60 के दशक के बाद जब से हाजी मस्तान, दाऊद इब्राहिम जैसे अपराधियों का फिल्म इंडस्ट्रीज मुंबई के हस्तक्षेप प्रारंभ हुआ, आप दक्षिण की फिल्मों में और बॉलीवुड की फिल्मों में अंतर देख लीजिए। बॉलीवुड की फिल्में नग्नता, अश्लीलता, हत्या, बलात्कार, माफियागिरी, अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर गाली गलौज, ऐसी ही फिल्मों का निर्माण हो रहा है। आपके पास क्या कोई बेहतर स्क्रिप्ट नहीं है फिल्म बनाने के लिए? तो स्वाभाविक है कि इसके पीछे एक निश्चित एजेंडा है। वह एजेंडा है, समाज को हम भ्रष्ट कैसे कर सकते हैं, घरों घरों में, समाज के अंदर, परिवारों के अंदर टूटन कैसे आ सकती है, इस पे उनको काम करने के लिए इस देश के राष्ट्रीय एकता और अखंडता के दृष्टि से आपकी आंखें तरस जाएंगी कि ये बॉलीवुड कोई अच्छी फिल्म इधर के वर्षों में दी हो। लेकिन अगर आपसे पूछे हम कि विभत्स चरित्र, हत्या, बलात्कार से लेकर के ओपनली गाली जो परिवारों में नहीं दी जा सकती है, खुली गालियाँ, ऐसे विभत्स गालियों को चित्रित करने वाली फिल्में, अब धर्म को चोट पहुंचाने वाली फिल्में, ऐसी फिल्मों का निर्माण बॉलीवुड का एक चरित्र और पहचान हो गया है। सवाल ये है कि समाज के स्तर पे हम और भारत की सरकार, जिसे हम अपना मत देकर के चुनते हैं, वो इसे कैसे रोकेंगे, इस पर हमें ज़रूर विचार करना चाहिए। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी, जो राष्ट्रीय संत समिति के महामंत्री भी हैं। उनका ये साफ तौर पे कहना था कि बॉलीवुड में जिस तरीके से सनातन धर्म के अपमान से जुड़ी हुई जो फिल्मों का एक प्रचार प्रसार बढ़ता जा रहा है, उसे अब रोकने का समय आ चुका है और फिल्म सेंसर बोर्ड है वो उसको लेकर सख्त से सख्त कदम उठाए। वाराणसी से आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नवभारत।